तो वीडियो शुरू करने से पहले कहूंगा जिन जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दो चैनल को आने वाले टाइम में डेली रेसलिंग के अपडेट्स के लिए। तो जो सीएम पंक की WWE रिटर्न है वो होगी या फिर नहीं, अभी फिलहाल इस बात की मैं श्योरिटी आप सभी को पूरी तरीके से नहीं दे सकता हूं, लेकिन आपको बता दूं रिसेंटली जो सीएम पंक की WWE रिटर्न है वो एक बार फिर से हो चुकी है टीज। इसके अलावा रिटर्न के बाद उनका कौन सा फ्यूड होने वाला है ये भी बात हो चुकी है रिवील। तो इस वाले वीडियो के अंदर मैं जरूर से पूरी कहानी को करने वाला हूं डिस्कस, जहां पर टीम रेट्रीब्यूशन के मेंबर ने सीएम पंक को एक रिटर्निंग मैच के लिए चैलेंज कर दिया। इसके अलावा उन्होंने कहा कि भाई सीएम पंक तुम रिटर्न करो, मैं तुम्हें पूरी तरीके से तहस महस करके रख दूंगा। तो क्या कुछ है पूरी कहानी टीम रेट्रीब्यूशन वर्सेस सीएम पंक के फ्यूड की, इस वाले वीडियो के अंदर मैं जरूर से इसके बारे में करूंगा बात। इसके अलावा शार्लट फ्लेयर की WWE रिटर्न को लेकर रिसेंटली एक अपडेट भी आ चुकी है सामने, उसके बारे में भी करूंगा बात। आज के NXT के शो के अंदर हमें एक मिस्टीरियस पर्सन दिखाई दिया, उसको लेकर एक अपडेट भी आ चुकी है सामने, तो इस वाली थिंग के बारे में भी करूंगा बात। WWE ने कर दिया ऑफिशियली कंफर्म रोमन रेंज वर्सेस द रॉक का मैच WrestleMania 37 के लिए। स्मैकडाउन के अंदर होने वाली एक बहुत ही बड़ी टैग टीम की भी रिटर्न, जिसके पीछे हाथ है रेटेड आर सुपरस्टार दी एज का। तो काफी सारी अपडेट्स आपको आज की इस कमाल की वीडियो के अंदर जानने के लिए मिलेंगे, सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स बिगिन दिस वीडियो। लेकिन वीडियो को मैं इस बार शुरू कर लेता हूं काफी क्विक अपडेट के साथ, जो कि इस बार AEW सुपरस्टार लेंसर आर्चर के बारे में जुड़ी है। रिसेंटली मैंने आपको बताया था किस तरीके से जो WWE कंपनी है वो लेंसर आर्चर को WWE के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाना चाहती है, लेकिन आपको बता दें काफी सैड न्यूज आई है रिसेंटली लेंसर आर्चर के फैंस को लेकर, क्योंकि रिसेंटली उन्होंने अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए इस वाली थिंग को कंफर्म किया कि उन्हें COVID-19 पॉजिटिव पाया गया। अब इस वाली थिंग का सीधा सीधा मतलब यह है कि जो लेंसर आर्चर है हो सकता है कुछ हफ्तों के लिए या फिर हो सकता है कुछ महीनों के लिए हमें AEW कंपनी के अंदर रेसल ना करते हुए नजर आए, लेकिन होप करूंगा जल्दी से जल्दी वो रिकवर करे और फिर से हमें AEW कंपनी के अंदर रेसल करते हुए नजर आए। नेक्स्ट अपडेट के बारे में कर लेता हूं बात, जो कि इस बार जुड़ी है द क्वीन शार्लट फ्लेयर के बारे में, उनके WWE रिटर्न को लेकर रिसेंटली क्या अपडेट आ चुकी है सामने। तो आपको बता दूं ये जो अपडेट है खुद शार्लट फ्लेयर हमें देती हुई नजर आती है अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए, जहां पर एक स्टोरी पोस्ट करती है जिसका जो स्क्रीन शॉट है आप लोग अपनी स्क्रीन के सामने भी देख सकते हो। यहां पर शार्लट फ्लेयर के 5 घंटे पहले की जो स्टोरी है इसमें इन्होंने ये लिखा है कि उन्होंने करीबन 8 हफ्ते जिम से छुट्टी ली थी, यानी कि जिम करने वो 8 हफ्तों तक नहीं गई थी, यानी कि 2 महीना नहीं गई थी, लेकिन अब फिर से वो टाइम वापस आ चुके कि फिर से वो ग्रूव करें और जिम के अंदर में वापस जाते हुए नजर आए, यानी कि उन्होंने जिम वगैरह की ट्रेनिंग वगैरह करनी शुरू कर दी है। अब कुछ नहीं तो मेरे हिसाब से मैक्सिमम 1 महीना और शार्लट फ्लेयर की फिर से WWE रिटर्न आप सभी को जरूर से दिखाई दे सकती है। हो सकता है वो इस साल के आखिरी में हो जाए, हो सकता है अगर WWE उसको बचा कर रहना चाहिए वो तो रॉयल रंबल के हमें आसपास होती हुई नजर आए, लेकिन ऐसे अच्छी न्यूज है कि फिर से वो जिम वगैरह करने लग गई है, यानी कि एक बार फिर से वो WWE रिटर्न के लिए फाइनली तैयारी करने कर दी है शुरू। लेकिन अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि जुड़ी है इस बार एक मिस्ट्री पर्सन के बारे में, जो कि हमें आज के NXT के शो के अंदर दिखाई दिया। आप सभी को बता दो क्या होता है जो NXT के शो के अंदर हमें डायमंड प्रिस्ट ऑस्टिन थ्योरी को हराते हुए नजर आते हैं, फिर जॉनी गार्गानो किक लगाते हुए नजर आते हैं सुपर किक टाइप डायमंड प्रिस्ट को, लेकिन जैसे ये वाला सेगमेंट खत्म होता है हम लोग क्या देखते हैं कि स्क्रीन के ऊपर जो WWE हमें एक वीडियो पैकेज एयर ऑन करते हुए नजर आते हैं, जो कि ब्लैक एंड ग्रीन कलर का होता है, और यहाँ पर जो बंदा बोलता होता है इस वाले पूरे के पूरे वीडियो पैकेज के अंदर वो ये कहता है कि वो NXT टेक ओवर के अंदर आने वाला है, जहाँ पर हमें फिन बैलर के लिए ओले का फेस करते हुए नजर आने वाले हैं NXT चैंपियनशिप के लिए, और उसने कहा कि वो NXT टेक ओवर के अंदर आएगा एंड वो चीज़ वापस ले जाता हो मैं नजर आने वाला है, जो कि एक्चुअली में उससे ही बिलोंग करती है। अब देखो अभी फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं कि वो जो बंदा है क्या वो एक न्यू WWE सुपरस्टार है या फिर वो एक कोई ऐसा बंदा है जो कि मेन रोस्टर के अंदर है, वो फिर से NXT के अंदर वापस आ रहा है जिस तरीके से फिन बैलर मेन रोस्टर से NXT के अंदर आए हैं। अभी फिलहाल ये वाली थिंग कंफर्म नहीं है, अभी फिलहाल मैं कह सकता हूँ ये वाली भी चीज़ कंफर्म नहीं है कि वो बंदा NXT चैंपियनशिप के पीछे आ रहा है या फिर NXT नॉर्थ अमेरिकन चैंपियनशिप के पीछे आ रहा है, वो NXT की टैग टीम चैंपियनशिप के पीछे आ रहा है। लेकिन कुल मिलाकर मेरे हिसाब से जो WWE वो मिस्ट्री हैकर वाले गिमिक यूज कर रहे हैं, जो कि स्मैकडाउन के अंदर हमें पहले दिखाई देती थी। अब हो सकता है अगर WWE जो है या फिर जो HHH है वो स्मैकडाउन की मिस्ट्री हैकर वाली गिमिक हमें NXT के अंदर यूज करते हुए नजर आए, जो सारी चीजें हमें NXT टेक ओवर के अंदर पता लगेंगी कि वो न्यू WWE सुपरस्टार है या फिर वो बंदा जो कि हमें मेन रोस्टर से फिर से NXT के अंदर वापस आता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन अब मैं बात कर लूँ आज की हमारी नेक्स्ट अपडेट के बारे में, जो कि इस बार जुड़ी है स्मैकडाउन की एक टैग टीम के बारे में, जिसकी एक बार फिर से हमें काफी जल्दी WWE रिटर्न दिखाई दे सकती है, और इस रिटर्न के पीछे और कोई नहीं बल्कि है रेटेड आर सुपरस्टार दी एज। आपको बता दूं रिसेंटली एक अपडेट आई है सामने, जहां पर इस अपडेट के अंदर ये बात कंफर्म हुई कि जो रेटेड आर सुपरस्टार एज है फिलहाल वो क्रिएटिव टीम के साथ बैक स्टेज के ऊपर काम कर रहे हैं, और अभी फिलहाल वो वापस लाना चाहते हैं द फॉरगॉटन सन्स को। ये वही टैग टीम है जो कि बीच में काफी ज्यादा उलझनों में पड़ गई थी, और इसे जैक्सन रायकर के कारण हुआ था, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के सपोर्ट के लेकर एक ट्वीट वगैरह किया था, और WWE ने उन्हें कंपनी से निकाल तो नहीं दिया था इसके कारण, लेकिन स्टिल यहाँ पर WWE ने फॉरगॉटन सन्स को पूरा का पूरा टेलीविजन से ही बाहर कर दिया था, ताकि जो फैंस है वो फॉरगॉटन सन्स को लेकर ऐसा ना कि स्मैकडाउन देखना छोड़ दें। लेकिन ये सब काफी जल्दी फॉरगॉटन सन्स की हमें फिर से WWE रिटर्न दिखाई देगी, और इस पूरी रिटर्न के पीछे रेटेड आर सुपरस्टार है जो होने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से जो रिटर्न है वो काफी धमाकेदार एंड कमाल की जरूर से हो सकती है। अभी फिलहाल ये बात कंफर्म नहीं है कि जैक्सन रायकर इस वाली थिंग का हिस्सा है या फिर नहीं, जो सारी
चीज़ें हमें काफ़ी जल्दी कंफर्म हो जाएंगी और मेरे हिसाब से क्लैश ऑफ चैंपियंस पे पर व्यू के बाद ही फॉरगेट इट सन्स के आप सभी को WWE रिटर्न दिखाई दे सकती है। नेक्स्ट में फाइनल अपडेट के बारे में सेकंड लास्ट अपडेट के बारे में कर लेता हूं बात, जो कि इस बार जुड़ी है द पीपल चैंप रॉक वर्सेस करंट यूनिवर्सल चैंप एंड द बिग डॉग रोमन रेंस के मैच के बारे में, जो कि रिसेंटली एक तरह का कंफर्म मैं कह सकता हूं हो चुका है। मैंने आपको कल के रात की एक वीडियो के अंदर बताया था कि इस तरीके से जो द रॉक है वो ये बात कह रहे हैं कि वो काफ़ी ज़्यादा ऑनर फील करेंगे अगर वो रोमन रेंस के साथ हमें रेसल करते हुए नजर आएंगे। आखिरी में एक और द रॉक जो बात कहते हैं अपने पूरे इंटरव्यू के अंदर, वो ये कहते हैं कि अगर मैं WWE के अंदर वापस आऊँगा मैं रोमन रेंस के साथ फेस करूँगा, ये चीज़ मेरे लिए ऑनर वाली तो होने वाली है, लेकिन मैं ये चाहूँगा कि मैच खत्म होने के बाद रोमन रेंस मेरा हाथ ऊपर करे, यानी कि द रॉक उस वाले मैच के अंदर हमें जीते हुए नजर आए। तो जो WWE ऑन BT स्पोर्ट्स का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो इस वाले थिंग को पोस्ट करता है और वो यहाँ पर कहते हैं कि अब एक तरह का ये बात कन्फर्म हो चुकी है और मैं पूरे तरीके से हाइप हूँ द रॉक वर्सेज रोमन रेंस के रेसलमेनिया मैच के लिए। जो बाकी पूरी स्टोरी चल रही है अभी फिलहाल रोमन रेंस एंड द रॉक के बीच, WWE ऑन BT स्पोर्ट्स का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वो ये वाली थिंग भी पोस्ट करता है। अब इस वाली थिंग को लेकर जो रोमन रेंस है वो भी अपना रिएक्शन देते हैं। जब रोमन रेंस लिखते हैं कि द रॉक का रेसलमेनिया में फेस करना, दी उसो का क्लैश ऑफ चैंपियंस के पेपर व्यू के अंदर फेस करना यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए, ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं अपने फैमिली मेंबर्स के नेम को एक टॉप कार्ड के ऊपर रखूँ और हमेशा WWE यूनिवर्स के सेंटर के अंदर रखूँ। तो कुल मिला के अब आप ये बात ऑफिशियली कन्फर्म कह भी सकते हो जब WWE और BT स्पोर्ट्स ने कह दी कि एक तरह का अभी बात कन्फर्म है कि रोमन रेंस एंड द रॉक फेस करेंगे रेसलमेनिया के शो के अंदर। तो भाई मैं बहुत एक्साइटेड हूँ रेसलमेनिया के शो के लिए और आप एक तरह का बात कन्फर्म कह ही सकते हो कि रोमन रेंस एंड द रॉक हमें जरूर से रेसल करते हुए नजर आएंगे WWE के रेसलमेनिया 37 के ब्लॉकबस्टर शो के अंदर। नेक्स्ट एंड फाइनल अपडेट के बारे में कर लेता हूं बात, जो कि इस बार जुड़ी है द बेस्ट इन द वर्ल्ड CM Punk के बारे में। एंड रिसेंटली जो CM Punk की WWE रिटर्न है वो हो चुकी है टीज। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि रिसेंटली जो CM Punk है मजाक उड़ाते टीम रेट्रीब्यूशन के मेंबर का, जब वो उन्हें रोस्ट हमें करते हुए नजर आते हैं अपने इंस्टाग्राम अकाउंट के जरिए, वो एक स्टोरी पोस्ट करते हैं जहां पर वो कहते हैं कि ये वाली चीजें तब होती हैं जब आपके पास काफी सारे पेपर पड़े और आपके पास कुछ करने के लिए ना हो, और तब आप ऐसा कुछ मास्क बनाते हैं और अपने चेहरे के ऊपर लगा लेते हैं। और यहां पर जो CM Punk है वो रोस्ट करते हैं उस वाले मास्क पर जो कि कागज टाइप का हमें दिखाई देता है रिट्रीब्यूशन मेंबर का, प्रोबेबली वो शेन थॉर्नी हो सकते हैं। लेकिन इसके बाद जो टीम रिट्रीब्यूशन का मेंबर है वो अपने ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट के जरिए ट्वीट करते हैं CM Punk को लेकर, और यहां पर जो टीम रिट्रीब्यूशन का मेंबर है वो और कोई नहीं, वो है T-Bar, यानी कि मैं बात कर रहा हूं डोमिनिक डिजोविक के बारे में, जो कि प्रोबेबली इस वाले पूरे फैक्शन या फिर ग्रुप के लीडर हैं। यहां पर डोमिनिक डिजोविक लिखते हैं कि ये जो पूरा ट्वीट है CM Punk को जाता है कि तुमने मेरे ब्रदर स्लैबजैक का मजाक उड़ाया था और तुम भी एक कॉवर्ड पर्सन की तरह हो, जिस तरीके से भी फिलहाल WWE के करंट एंड फॉर्मर सुपरस्टार्स हैं। वो यहाँ पर ये भी बात मेंशन करते हैं कि इस तरीके से बीच में CM Punk ये बात टीज कर रहे थे कि वो टीम रेट्रीब्यूशन के लीडर टाइप हैं। वो कहते हैं कि तुमने बीच में ये चीज़ टीज करने की कोशिश की थी कि तुम पूरा का पूरा लीड कर रहे हो टीम रेट्रीब्यूशन को, लेकिन हम लोग इतने पागल नहीं कि तुम्हें फिर से एक फेलियर करने दे जिस तरीके से तुमने नेक्सस का किया था, यानी कि मैं तुम्हें जो पूरी की पूरी टीम रेट्रीब्यूशन है उसे न्यू नेक्सस बनने नहीं दूंगा। इसके अलावा यहाँ पर जो T-Bar है वो आखिरी लाइन के अंदर ये चीज़ मेंशन करते हैं क्योंकि वो एक एक टूरा डिस्ट्रॉय करके रख देंगे और अगर CM Punk आने वाले टाइम में कभी भी रिटर्न करने का सोचते हैं तो उनका भी वही हाल होगा जिस तरीके से फटे हुए कागज के टुकड़ों का होता है। और कुल मिला के बहुत बड़ी धमकी है CM Punk को लेकर। अब मेरे हिसाब से CM Punk इस वाली थिंग को लेकर रिएक्ट तो जरूर से करेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से जो उनका रिएक्शन होने वाला है वो एक फनी वे में होने वाला है। ऐसा नहीं होगा कि भाई कहेंगे आजा भाई मैदान में, मैं तेरे को तोड़ फोड़ के रख दूंगा। कुल मिला के इस वाली थिंग का जो लेकर मैं हूँ काफी ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। हो सकता है जो CM Punk है अगर आने वाले टाइम में कभी भी WWE के अंदर रिटर्न करें, अगर उस टाइम टीम रेट्रीब्यूशन होती है, मेरे हिसाब से टीम रेट्रीब्यूशन एंड CM Punk के बीच जरूर से मैच होगा। मेरे हिसाब से जो CM Punk है वो एक आखिरी उम्मीद है अभी फिलहाल रॉ एंड स्मैकडाउन के रेटिंग्स बढ़ने की, जो भी शो के ऊपर वो रिटर्न करते हैं। मान लो CM Punk रॉ के अंदर आते तो CM Punk वर्सेस टीम रेट्रीब्यूशन का जो फ्यूड होने वाला है वो एक बहुत ही कमाल का फ्यूड जरूर से बन सकता है। बाकी आपके हिसाब से क्या CM Punk की रिटर्न होगी या फिर नहीं, जब यहाँ पर T-Bar ने एक तरह का चैलेंज कर दिया CM Punk को, आपके लेकर इसका क्या है थॉट्स, नीचे मुझे ऑफकोर्स कॉमेंट के अंदर जरूर बताना। इसके अलावा आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई है तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाना। रिसेंटली द रॉक ने चैलेंज किया था रोमन रेंस को, उसको लेकर मैंने एक चैनल पर वीडियो भी अपलोड किया और जॉन सेना क्यों अपने हेटर्स को पसंद करते हैं ये बात भी रिसेंटली जॉन सेना ने कर दी रिवील। अगर आपने सुबह की उस वाली वीडियो को मिस कर दी है, कल रात ही वो वाली वीडियो को मिस कर दी है, तो आपको लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा, चैनल पर ऑलरेडी वीडियो आ चुकी है, आप उसे भी जाकर कर सकते हो चेकआउट। इसके अलावा आज की जो ये वाली वीडियो बस यहीं तक थी, अगर आपको ये वाली वीडियो पसंद आई तो ऑफकोर्स नीचे वीडियो को लाइक बिना कहीं मत जाना। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल पर नए तो कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन, ताकि आगे भी आपको हमारे चैनल पर कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग कमाल की फ्रेश अपडेट जानने को मिलती रहे। एंड मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर काफी जल्दी। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।